गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 20 मई 2019 के कांट्स अफेयर में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पेटीएम ने कौन सी नई सर्विस लॉन्च की है? सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रेडिट कार्ड। पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड की सुविधा लॉन्च की है। पेटीएम ने यह सुविधा किस बैंक के साथ मिलकर की है? ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखें सिटी बैंक। सिटी बैंक के साथ मिलकर पेटीएम ने यह योजना नई सर्विस लॉन्च की है। पेटीएम फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। 2010 से यह लॉन्च हुई थी और विजय शेखर शर्मा ने यह लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सही जवाब है बिहारी पुरस्कार। इन्हें यह पुरस्कार उनकी किस प्रसिद्ध रचना के लिए देने की घोषणा की गई है? ऐसा भी प्रश्न है एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखें शोपन पास। मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनकी रचना शोपन पास के लिए बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज ट्रेन भारत एक्सप्रेस ने हाल ही में बिना कोई ट्रिप छोड़े कितने लाख किलोमीटर पूरे कर लिए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 लाख किलोमीटर। जो भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है और कब शुरू की गई, ये भी हमें पता होना चाहिए। यह ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और यह ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ को एक्स सर्विसमैन का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। ये एक्स सर्विसमैन का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है, ये है क्या? पहले जितनी भी भर्तियां थी मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ यानी MNS को एक सर्विसमैन नहीं मानते हुए कोई भी सर्विसमैन नहीं लिया जाता था सेवानिवृत्ति के बाद, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने MNS को सेवानिवृत्ति के बाद यानी एक सर्विसमैन का दर्जा मान लिया गया है। और इसके पश्चात होगा क्या? अब ये अधिकारी है सेवानिवृत्ति के उपरांत कहीं भी नौकरी हासिल करने में इनको आसानी मिलेगी, इसलिए यह रक्षा मंत्रालय ने इनको मंजूरी दी है, जो MNS के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के विश्व दूर संचार व सूचना समाज दिवस का विषय क्या है? सही जवाब है मानकीकरण की खाई को पाटना। यह कब मनाया गया? अब हाल ही में यह 17 मई को मनाया गया है, क्योंकि 17 मई 1865 को दूर संचार संघ की स्थापना हुई थी। इस दिन होता क्या है? अभी जो विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया है इसका विषय रखा गया है, तो इस दिन लोगों के मूलभूत मानव अधिकारों के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाता है। 17 मई याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के क्लब लोजियो ने हाल ही में कौन सी बार कोपा इटालिया फुटबॉल खिताब जीता है? ऑप्शन बी, 7वीं बार। इटली का क्लब है लोजियो, जिसने फुटबॉल खिताब है कोपा इटालिया 7वीं बार जीता है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों क्लब लोजियो ने यह खिताब 7वीं बार हासिल किया है। आज के समय में एक खिताब हासिल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहीं इटली के क्लब लोजियो ने यह 7वीं बार हासिल किया है। इस क्लब ने अटलांटा को 2-0 से हराकर यह खिताब हासिल किया है, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस टेनिस खिलाड़ी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है एंडी मरे। एंडी मरे को दुनिया के बिग फोर में गिना जाता है और अब तक कुल 9 ग्रैंड स्लैम खिताब एंडी मरे हासिल कर चुके हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में चीन की कौन सी मोबाइल कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है? तो यह कंपनी है हवाई, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये विश्व की नंबर 1 मोबाइल निर्माता कंपनी है हवाई, जिसे अमेरिका ने हाल ही में प्रौद्योगिकी स्तर पर खतरे का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित की थी और इसके पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया प्रौद्योगिकी स्तर का हवाला देते हुए। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने चीन के सैन्य वैज्ञानिकों पर रोक संबंधी विधेयक पेश किया है? अब चीन के सैन्य वैज्ञानिकों पर विधेयक पेश किया गया है तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन जहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक और ये नहीं चलते, वहाँ पे खुद के उनके ब्राउज़र हैं, तो चीन चाहता है कि हमारे देश में सिर्फ हमारे ही ब्राउज़र यूज़ हों, हमारे ही प्रोडक्ट यूज़ हों। उस देश पर सैन्य वैज्ञानिकों पर रोक लगाई गई है, विधेयक पेश किया गया है, तो यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखें। तो यह किया है अमरीकी संसद ने। इस विधेयक के अनुसार अमरीकी सरकार उन वैज्ञानिकों और इंजीनियर संस्थानों की सूची बनाएगा जिसका संबंध पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA से है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुश्री राधा वेंकटरमन को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इस्वातिनी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की कंट्री है। इस्वातिनी को स्वाजीलैंड और किंगडम ऑफ इस्वातिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्वाजीलैंड की राजधानी है लुबांबा, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? जवाब है ऑप्शन सी, सनी पवार, जो कि 11 वर्ष के हैं और 4th स्टैंडर्ड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SFRI ने भारतीय स्क्वैश में सुधार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है HCL। SFRI की फुल फॉर्म है स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये याद रखें। स्क्वैश में सुधार करने के लिए HCL के साथ यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चिंकारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। चिंकारा क्या है? हिरण की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? सही जवाब है सिंगापुर। भारत की तरफ से दो समुद्री जहाज हैं, INS कोलकाता और INS शक्ति ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया है, जो कि सिंगापुर में आयोजित की गई थी। सिंगापुर जिसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म ने फ्रांस में नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड जीता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सीड मदर। ये सीड मदर शॉर्ट फिल्म थी जिसने फ्रांस में चल रहे नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने मच्छर रोग संरक्षण नीति शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस। इसमें क्या होगा? मच्छर के कारण, मच्छर यानी मॉस्किटो के कारण से जो रोग हो रहे हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनसे होने वाले नुकसान से यह HDFC बैंक इंश्योरेंस देगा, हमारे संरक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय दवा कंपनी का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विराट कोहली प्लस ऋषभ पंत। हिमालय जिसके फेसबुक वगैरह चल रहे हैं, उस दवा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अब बात ब्रांड एम्बेसडर की आती है तो आपको याद आया होगा सलमान खान, ऑप्शन ए, हाल ही में भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और जो ऑप्शन बी दे रखा है विराट कोहली और अनुष्का, ये भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मंत्रा, ये मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसे याद रखें। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि रोज़ाना महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको मिलते रहें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि प्रत्येक